बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज आपने यहाँ देखा कि 56 साल जो हमें तासीस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो जो नज़रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को दिया था, आज उसी नज़रिए को लेकर जो है पाकिस्तानी कौम आवाम जो है वो निकल रही है और चल रही है। और आज आप देख लें नौजवान क़यादत जो है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस इस अज़म को लेकर आगे निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उस मिशन को, उस प्रोग्राम को जो है वो जो भुट्टो ने हमें दिया था और इंशाअल्लाह उसको हम जो है पूरा करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है और जिस जज्बे के साथ उन्होंने 56 साल से पीपल्स पार्टी का परचम जो है वो थामे हुए है, मैं उनको कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और फिर चूँकि हमारे पास ये भी एक वाहिद पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है जिसका जो है वो उसका जो है जिसके पास शहीदों की जो है वो पार्टी है, और हम ये बिल्कुल आग बजानम ये बात कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है शुजा की पार्टी है। और जैसा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मैं अपनी जान जो है वो उसका नजराना दिया, और फिर जो काम उन्होंने किए, जो नज़रिया उन्होंने दिया, और फिर ख़ास तौर पर जो जो मुल्क हमारा जो बेआईन था उसको आइन दिया, मुतफिका आइन दिया, और फिर जो है वहाँ पर अपने मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर प्लांट जो है वो उन्होंने कामयाबी से उसको जारी किया, और बड़ी बड़ी साजिशें हुई उनके ख़िलाफ़, उसके बावजूद उन्होंने उसको प्रोग्राम को जो है वो जारी रखा। फिर मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से भी जो भी है जो प्रोग्राम जो दे रही है पीपल्स पार्टी और इंशाल्लाह आसिफ अली ज़रदारी उस प्रोग्राम को लेकर आगे जा रहे हैं, और मैं कारकुनों को भी यकीन दिलाता हूँ, यहाँ आज मिडलैंड के अंदर भी कारकुनों को भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी क़यादत जो है वो जानदार क़यादत है, और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो जानसार हैं इस वक्त पार्टी के अंदर वो पार्टी को जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी जो है इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली ज़रदारी और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में अगले आने वाला इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेगी। यहाँ मिडलैंड में 56 यू में तसीस मना रहे हैं। भुट्टो साहब ने आज से 56 साल पहले 30 नवंबर को लाहौर में पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी। मैंने मेरे ख्याल में ये 56 साल हो गए हैं ये इसका परचम थमा हुआ है। पहले भी कारकुनों से रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तानी अवाम से कि आप भुट्टो के भुट्टो शहीद के मंशूर पे, उनके विज़न पे, उनकी सोच पे अमल करें, और उनका मंशूर जो उन्होंने बनाया था पाकिस्तान के लिए पीपल पार्टी ने जो मंशूर दिया था उस पर अमल करें तो पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया में तरक्की करेगा। आज के दिन हम इस बात का अहद करते हैं अपने इस परचम तले कि हमारे शोहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद और बीबी की कुर्बानियां जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। हम जो उनका अक्स है वो बिलावल भुट्टो में देखते हैं। आवाम जो है आवाम के लिए, नौजवानों के लिए एक उम्मीद है, तो आने वाले वक्तों में हम उनको अपना वज़ीर आज़म देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो पार्टी है इस परचम तले वो आज के दिन हमने इस चीज़ का तहिया किया कि हम अपनी पार्टी को लेकर आगे चलेंगे और इस गुलदस्ते को मज़ीद जो है वो बढ़ाएंगे, और ये गुलदस्ता बढ़ेगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम यूके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीपल्स पार्टी के अंदर कारकुनों को, लोगों को शामिल करें और अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो के हाथों को मजबूत करें। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस के मौके पे हम ये ऐद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे को मजबूती से थामेंगे। पाकिस्तान है तो पार्टियाँ भी पाकिस्तान के साथ हैं, और ये शहीदों की जमात है। इंशाल्लाह ताला ये पार्टी हमेशा कायम दायम रहेगी, लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे पे अमल करके इन हालात से मुल्क को निकाला जा सकता है।